वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लेविट स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। IIFL सिक्योरिटीज ने अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट यहां पे प्रेजेंट करी है। हाल फिलहाल में जस्ट अभी ही एक दो घंटे पहले ही रिपोर्ट यहां पे निकल करके आई है। रिपोर्ट वोडाफोन आइडिया के ऊपर है और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रिपोर्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो रिपोर्ट में क्या लिखा है और इसका क्या असर हो सकता है कल मंडे का, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा और साथ ही साथ मेरा क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में और इसके बाद मैं क्या सोचता हूँ आगे वोडाफोन डे के फ्यूचर के रिलेटेड, वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज भी करिए। यहाँ पर मैंने दोस्तों एक घंटे पहले ही रिलायंस के ऊपर वीडियो अपलोड किया, चार बड़ी खबरें निकल करके आई थी उसके ऊपर और यहाँ पे मंडे को मुझे लगता है इसमें भी बड़ा धमाका हो सकता है। तो ये भी वीडियो आप पूरी तरह से देख सकते हो। यहाँ पे बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की। सिचुएशन डिस्कशन करना चाहूंगा, कैसी फ्राइडे को रही थी, 9.85 रुपये पे क्लोजिंग हुई थी, 10 पैसे डाउन बंद हुआ था, मामूली गिरावट थी 1% की यहाँ पे देख सकते हो। तो इतनी ज़्यादा कोई पैनिक वाली सिचुएशन हमें तो बिल्कुल देखने को नहीं मिली थी। कारोबार भी देख लेते हैं कि कारोबार में कैसा रहा था। तो यहाँ पे मैं इसके लिए आपको NSE की वेबसाइट भी लेके आया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। 9.85 रुपये क्लोजिंग, 10 पैसे डाउन, 1% की मामूली गिरावट। जैसे मैंने बताया प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 9.95 रुपये, ओपन होता है 9.90 रुपये के आसपास। हाई यहाँ पे 10.15 रुपये का बनाया था, लो देखे तो 9.17 रुपये के आसपास और यहाँ पे फाइनली HSE क्लोजिंग प्राइस की बात करें 9.85 रुपये के आसपास हुई थी। तो ओवरऑल कारोबार ठीक ठाक था। यहाँ पे डिलीवरी की सिचुएशन कैसी है वो भी बताना चाहूँगा। जो क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी थी 20,31,87,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी और इसमें से बात करें 6,56,64,000 शेयर की डिलीवरी हुई थी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी धमाकेदार थे 32.32। तो दोस्तों यहाँ से डिलीवरी की रिपोर्ट से, कारोबार की डिटेल से तो हमें ऐसा बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ता कि कोई भी प्रॉब्लम है। 32% से भी ज़्यादा की डिलीवरी और 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा की डिलीवरी यहाँ पर पे उठती हुई हमें वोडाफोन आइडिया में फ्राइडे को देखने को मिली थी। तो सीधा वो रिपोर्ट पर चलेंगे। इसके लिए मैं आपको IndiaTime.com की वेबसाइट पर लेके आया हूँ, द इकोनॉमिक टाइम्स पर। यहाँ पर वो हेडलाइन पहले पढ़ सकते हो, जियो भारती एयरटेल कंसोलिडेटिंग मार्केट शेयर एट कॉस्ट ऑफ वोडा आइडिया रिपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो टाइटल है शायद आपको पढ़ के इतना ज़्यादा समझ ना आ रहा हो, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल करके आई एकदम लेटेस्ट है, टॉप टू टेलीकॉम कंपनी जियो एंड भारती एयरटेल आर कंसोलिडेटिंग मार्केट शेयर मूविंग द इंडस्ट्रीज possibility towards near two player structure with the Vodafone Idea facing the prospect of losing revenue market share RMS as a struggling financially according to the report by IIFL Securities। तो दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जैसे जियो का और भारत एयरटेल का मार्केट शेयर कंसोलिडेट हो रहा है तो वहाँ यहाँ पे जो सिचुएशन आगे जाकर के इमेज हो रही, यहाँ पे वो बोल रहे कि टू प्लेयर स्ट्रक्चर होने वाला है। इसका मतलब समझ रहे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आकर आगे जाकर के जो सर्वाइव होने वाले हैं वो भारतीय एयरटेल और जियो ही होने वाले हैं। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि लगातार मार्केट शेयर लूज करते हुए और फाइनेंशियली स्ट्रगल करती हुई कंपनी जो वोडाफोन आइडिया है उसके आगे जाकर के सर्वाइवर का खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है। और आगे जाकर के वो बोल रहे हैं कि डियो बोली मतलब कि दो ही प्लेयर अपने आप में सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कौन बोल रहा है, IIFL सिक्योरिटीज। और नीचे पढ़ने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों बताया है। तो लेटेस्ट नोट बाय IIFL सिक्योरिटी ऑल्सो इंडिकेट दैट द टैरिफ इंक्रीज मे नॉट बी इमीडिएट एंड इंस्टेड सीज हाई लाइकलीहुड ऑफ प्राइस हाई इन 12 to 18 months। तो दोस्तों उसने ये और भी बताया है कि यहाँ पे जो यहाँ पे तारीफ हाइक करके जो न्यूज़ आ रही है कि वोडाफोन आइडिया जल्दी ही तारीफ हाइक कर सकती है। हालांकि एक जो पोस्टपेड प्लान है उसमें दो प्लान में तो ऑलरेडी थोड़ी बहुत करी थी, तो अभी बता रहे कि और तारीफ हाइक उनको 12 महीने से 18 महीने तक नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कि जल्दी ही तारीफ हाइक करना वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसी के चलते वो बोल रहे कि जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे, कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो स्पेक्ट्रम रिन्यू करने हैं उसमें भी उसको बड़ा 8,500 करोड़ का खर्चा है, उसके बाद जो AGR का ड्यू है वो भी पे करना है। तो इसी के चलते सब ये मुद्दों को मिला करके वो ऐसा बोल रहे कि लगातार उसका मार्केट शेयर कम होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे तो तारीफ को लेकर भी बोल रहे कि 12 महीने कम से कम यहाँ से अवे है, मतलब कि अगले 12 महीने में 2021 की ही अभी बात कर लेते उसमें वो तारीफ नहीं कर पाएंगे।
ऐसा यहाँ पे IIFL सिक्योरिटीज बता रही है। और यहाँ पे वो बुलिश पूरी तरह से, जैसे कि काफ़ी लोग हैं भारतीय एयरटेल पे है और जियो पे है, और यहाँ पे पूरी तरह से बेरिश वोडाफोन आइडिया पे है। तो दोस्तों अपने आप चौंकाने वाले रिपोर्ट उन्होंने पे प्रेजेंट करी है। हालांकि मैं इस रिपोर्ट से मेरा खुद का मैं अपना नज़रिया दूँ तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। यहाँ पे जो मार्केट शेयर लूज हो चुके थे वो अभी हो चुके हैं। मुझे फर्दर और ज़्यादा मार्केट शेयर लूज होते हुए वोडाफोन आइडिया में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। आपको मैंने काफ़ी बार वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश करी है कि वोडाफोन आइडिया ना केवल टेलीकॉम में फोकस कर रहे हैं, बाकी अलग अलग आईटी सेक्टर्स में और अलग अलग सेक्टर्स में भी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपना रेवेन्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। अगर दोस्तों यहाँ पे देखो IIFL सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज वगैरह का यहाँ पे काम ही यही होता है कि कुछ ना कुछ रिपोर्ट निकालें, तो ये मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोल रहा कि वो एकदम झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। पर मुझे जो ये IIFL सिक्योरिटीज़ बता रही है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इतना रियलिटी नहीं लग रहा है अभी, और ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि मार्केट शेयर में इतनी भारी गिरावट हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिलेगी। हाँ, मैं ये बात को भी एक्नॉलेज करता हूँ कि IIFL सिक्योरिटीज़ की रिसर्च मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और मैं इस रिपोर्ट को पूरी तरह से सम्मान देता हूँ। तो दोस्तों ये सब अपनी अपनी न्यूज़ अपनी अपनी जगह होती है, मुझे पर्सनली जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। अभी आपको क्या लगता है वो तो आप ही डिसाइड करोगे। मुझे इतना ज़्यादा अभी वोडाफोन आइडिया में खतरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, और मुझे ऐसा भी लगता है कि भारत की गवर्नमेंट डुओपोली को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। वो पूरी पूरी यहाँ पे ट्राई करेगी कि यहाँ पे तीन प्लेयर इंडियन मार्केट में टेलीकॉम इंडस्ट्री में पूरी तरह से बने रहे। सीधा चलेंगे चार्ट पे, और मंडे को क्या हो सकता है इस रिपोर्ट का असर और कहाँ लेवल टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सीधा आपको जीरो तक के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। यहाँ पे लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम रिसर्च करने की कोशिश करेंगे जैसे कि हमेशा करते हैं। क्लोजिंग पहले डिस्कस कर लूँ, यहाँ पे 9.85 रुपये जैसे कि मैं ऑलरेडी बताया। तो अभी बात करें कल की, कल आपको 10 रुपये से लेकर 9.80 रुपये के बीच कोई भी ट्रेडिंग ना करने की मैं यहाँ पे सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेंज में काफ़ी समय उसने फ्राइडे में गुजरा है और यहाँ पे ही वो घूमता हुआ नजर आया है। अगर 9.80 रुपये का लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है 9.70 रुपये, वहाँ पे संभलने की बिल्कुल कोशिश कर सकता है। तो 9.80 रुपये से नीचे आप शॉर्ट करोगे तो आपको पहले 10 पैसे का मुनाफा मिलेगा 9.70 रुपये, और ये भी टूटता है तो 9.55 रुपये से 9.45 रुपये तक के जो मैंने कल भी डिस्कशन किए थे, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके आसपास जाने की कोशिश कर सकता है नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ निकला 10 रुपये का लेवल टूटता है तो 10.10 रुपये और 10.25 रुपये के रूप में हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे सकते हैं। ऊपर की तरफ मुझे लगता है 10.25 रुपये तक भी भागता हुआ वोडाफोन आइडिया नजर आ सकता है। अपनी यहाँ पे नज़र बनाए रखें, इस लेवल को वॉचआउट कीजिए, अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स पाने के लिए, साथ ही साथ लेटेस्ट शेयर बाजार की न्यूज़ पाने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो भी मेरी दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर मेरी लिंक से अगर आप यहाँ पे जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें मैं आपको एंट्री दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस।